जयरंगमंच की ओर से सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज आपको लिए चलते हैं एक अति प्राचीन मंदिर जो शहर से दूर एक गांव में स्थित है। आइए। पर है ये नंबर लगवा दो ना, अभी हमने बैठो। आपका शुभ नाम? हमारा नाम हीरामणि। अच्छा, हीरामणि त्रिपाठी। तो आप यहीं रहते हैं? जी 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 जी, मैं तो यहाँ तो नहीं, यहाँ से हट के गांव है, वहीं पे रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा समय। अच्छा अच्छा, इस मंदिर में ही? जी जी। तो कितने टाइम से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं? पुरखे जो है 125 साल पहले ही, जो हमारे ये परवावा जी थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तब यहाँ पे सारा का सारा ये जंगलात हुआ करता था। अच्छा। सब जंगल, बियावान जंगल था, उन्होंने आके इस टेकरी पे, अच्छा, अपनी भूमि, और ये बड़े सिद्ध थे जो हनुमान जी के सेवक थे। अच्छा। इन्होंने निर्माण कराया। अच्छा, हमारी तो एज वही होगी लगभग 40 इयर्स। हाँ हाँ हाँ। तो क्या नाम है मंदिर का? मंदिर राम मंदिर डाला, डाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध। ये देख रहे हैं, ये मंदिर है जी, बहुत पुराना मंदिर है, श्री राम मंदिर डाणा, और डाणा के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, हाँ, डाणा मंदिर। अच्छा, ये है? जी जी, ये शुद्ध शुद्ध गुफा है। अच्छा जी जी। पैर रख लो। ये जो सिद्ध गुफा है, हम इस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, ये साधन स्थली है। अच्छा। हाँ, हमारे घर के किसी भी यहाँ पे जो है बीच की जो 3 पीढ़ियाँ रही हैं, प्रवेश नहीं कर किया कर पाया इसमें। अच्छा। हाँ, जैसे वो करना चाहते थे तो कुछ ना कुछ उनको बाहर ही उनको मार्ग अवरुद्ध करके वो बैठ जाते थे शेषनाग जी। अच्छा जी। उसके बाद में जब हमें कुछ प्रेरणा हुई और उन्होंने उन्हीं के आशीर्वाद से फिर आगे हम बढ़े, तभी इसका जीर्णोद्धार वगैरह जो कुछ भी हुआ। अच्छा। आज भी यही है। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं आगे हमको चलना पड़ता है। अच्छा जी जी। अच्छा, ये और अंदर है? जी। लाइट जलाइए। हेलो। जय हो, जय हो, हरिओम, हरिओम, हरिओम। यहाँ के विषय में अब मैं आपको कुछ जानकारी दूँ, वो हम इससे कैमरा साफ एकदम गर्मी एकदम वातानुकूलित है ये जगह, बिल्कुल कोई नहीं आता है, हमारे घर का भी नहीं कोई सदस्य। अच्छा जी जी जी, कहीं ना कहीं हाँ हमें ही साथ में लेके आना पड़ता है। अच्छा, पकड़ लेना। हाँ,
मेरे मित्र भी जा रहे हैं इनके साथ, तो ये अभी प्रवेश कर रहे हैं। मैं तो हो आया इस गुफा में, बहुत ही गहरी गुफा है, अंदर खूब अंधेरा है, और इसी गुफा के अंदर मेरे मित्र भी जा रहे हैं और बड़ी शांति है। हालांकि एक एक जैसे कहते ना, एक बहुत नीचे 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 जाते हुए काफ़ी गहराई तक है, अंधेरा है। एक तो रही हैं, ये लाइटें भी हैं लेकिन चल नहीं रही थी। सुरक्षित बना रहे हैं। कदम का पेड़ कौन सा? कदम जो ये पेड़ है। अच्छा, आप नीचे चले। सारे छोटे-छोटे जो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये सब कदम के? सारे कदम। अच्छा, पतले वाले? पतले हैं, उधर भी आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ी वाली मोटे मोटे हैं। अच्छा, कदम के पेड़। कदम के पेड़ के नीचे खड़ा होने से भी बहुत पॉजिटिव रेज मिलती है। अच्छा, मन को शांति एक अजीब प्रकार। पंडित हीरामणि त्रिपाठी जी का ये परिवार भी यहाँ आया हुआ है आज पूजा करने के लिए। तो बच्चों से भी मुलाकात की और बच्चे बहुत खुश हैं, और ये अक्सर आते रहते हैं इस मंदिर में क्योंकि गांव बहुत दूर है। दरबार है जी जी जी, राम दरबार है। बहुत बढ़िया लगा बच्चों, यहाँ कितना प्राचीन मंदिर है ये। थीम भी बहुत अच्छा है। आप जैसे आते हो यहाँ पे, फिर आपको लगता है जैसे आपसे बातचीत करते हैं। मुझे तो लगता है एकदम प्रसन्न, बोलते भी यही कल आएंगे तब एकदम फिर खुश हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा मंदिर है, अच्छा मंदिर है, राम दरबार है। कुछ दिन यहाँ पे आपको खुद निकल अच्छा लगता है यहाँ पर आने का। ये सिद्ध राम मंदिर निवाणी कला डिस्ट्रिक्ट इटावा ढाणा, इस मंदिर के अनुयायी हैं। इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। हमारे पुरखा जो थे वो श्री श्री 1008 बाबा रघुपत दास जी महाराज, जिन्होंने इसका निर्माण कराया, यही कोई सन 1910 के या 1905 ईस्वी के इसका निर्माण हुआ, और वो बहुत ही एक सिद्ध महात्मा था। वो एक बहुत ही सिद्ध महात्मा, और यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि वो पहले गंगा स्नान के लिए जाते थे ससरी। लोगों ने उनके प्रैक्टिकल के लिए ये भी देखा कि उनकी किस तरीके से ये जाते हैं, पैर में पैर बांध के भी सोए, तो तब वो जो है उनका पैर छूट गया और वो आकाश मार्ग से जाते तो वहाँ घंटे बाद आ जाते थे और अपने मोटी वगैरह ससरी होके जाते, और जिससे उन्होंने जो कह दिया जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे, उन्होंने जो भी जिससे कह दिया उसके वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण, इस मंदिर की काफ़ी मान्यता मानता रही है। और साथ साथ में ये भी रहा है उनका कि एक बार भंडारा हो रहा था यहाँ पे, रात का समय था, कोई ऐसे संसाधन नहीं थे कि जो घी या डालडा आ सके, तो उन्होंने तालाब से यहीं से कुएं से उन्होंने वो पानी उससे जल से ही उसे पूड़िया से सारी रात, और तीसरे दिन इसमें आके हो ही गई इसमें छुआ। तो ऐसी काफ़ी एक मानता है यहाँ कोई निर्जन स्थान है, ये मतलब बड़ा निर्जन क्षेत्र है, यहाँ आसपास आबादी भी नहीं है जी, फिर इसकी देख रेख कैसे कर पाते हैं आप? अरे सर, ये सब तो ये ईश्वर के भरोसे सब कुछ होता है, और रही आबादी की, यहाँ तो सब जो भी आते हैं बड़े श्रद्धालु, यहाँ पे आते ही किसी भी हिंसक से हिंसक व्यक्ति की भी हिंसा, वो अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ के ऑटोमेटिक यहाँ पे श्रद्धा भाव में आ जाता है। बड़ा अच्छा लग रहा है इस मंदिर में। नीचे जो आपने गुफा स्थान दिखाया वो भी बहुत सुंदर लगा मुझे जी, और जहाँ कह रहे थे एक उसकी भी एक अपनी मान्यता है जी जी जी, उसकी भी एक मान्यता है जो कुछ भी है वो आपने खुद भी महसूस किया होगा। क्या बताऊँ, साल में कितने यहाँ जो है पर्व जो है यहाँ मनाए जाते हैं?
वैसे चार पर्व मनाए जाते हैं, उसमें मुख्य तीन पर्व हैं। एक पर्व गुरु पूर्णिमा का होता है, जो श्रद्धालु जो बाबा जी के समय से उनसे जुड़े हुए थे, उनके शिष्यगण वो आते हैं गुरु पूर्णिमा पे। बाकी का एक जनरली पर्व, ये तीन पर्व जनरली है। वो सबसे पहले आपका जो है हुआ जाके कृष्ण जन्माष्टमी, दूसरा आपका जो हुआ जाके अन्नकूट दीपावली के दूसरे दिन पड़वा, 56 प्रकार के भोजन जिसमें जो है मनाए जाते हैं, और तीसरा रामनवमी, ये चैत की नवरात्रि के बाद। हाँ, नवमी राम जन्मोत्सव, रामनवमी का उत्सव। कोई मेला वगैरह भी लगता है? नहीं, मेला नहीं लगता है, लेकिन यहाँ जितने भी क्षेत्र के श्रद्धालु हैं या वैसे है, निमंत्रण वगैरह करके या अपने जो साथ में उन्हें सभी को बुला के एक एकत्र एक उत्सव इकट्ठे होते रहते हैं। इस स्थान का पूरा नाम बताएं हमारे दर्शकों को, और अब हम मतलब ताकि जो है लोगों को स्थान की जानकारी भी मिले कि ये कहाँ स्थित है। ये सर निवाड़ी कला से पश्चिम साइड में ये पड़ता है राम मंदिर डाणा, डाणे मंदिर से नाम इसका प्रसिद्ध है। और ये डिस्ट्रिक्ट इटावा निवाली कला गांव उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बहुत जी।